A very good afternoon, everyone. Welcome to the first lecture of CA Intermediate Auditing and Assurance Paper Number 6. This lecture is going to be an orientation or an introduction, you can say, to your course of auditing and assurance. So, jiska naam maine diya hai is lecture ka startup guide. This is actually going to act as a guide for your journey with us for the subject auditing and assurance that you have chosen. So, first of all, I would like to thank you all for choosing SJC Institute and for trusting me to be your mentor for auditing and assurance. And I assure you, मैं आपको ये assurance देती हूँ कि आपका जो ये trust आपने bestow किया है हमारे ऊपर SJC Institute के ऊपर, खासतौर से as your guide for auditing मेरे ऊपर, तो ये trust जो है आपका बिल्कुल भी waste नहीं जाएगा. We'll make this journey as fun learning and, you know, very smooth for you and helpful for you for your preparation in the examination. So, thank you all again. अभी मैं बात करूँ हमारे इस कोर्स के बारे में, तो around 45 classes we'll be taking, which will run around till 90 hours approximately. तो ये एक estimation है, जरूरी नहीं है 90 hours ही होगा, हो सकता है उससे कम हो सकता है उससे कुछ ज़्यादा हो. ठीक है, तो अराउंड 45 क्लासेस हम मान के चल रहे हैं कि पूरा कोर्स कंप्लीशन में हमारी लगेगी. स्टडी मटेरियल आपको दो बुक्स मिलेगी, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 ऑफ ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस. अगर आप ऑलरेडी स्टडी मटेरियल रिसीव कर चुके हैं तो यू मस्ट हैव सीन दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ कलरफुल स्टडी मटेरियल फॉर यू गाइज, जिसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी मटेरियल है. We have all the concepts in chart formats, tabular formats, and along with that, we have a question bank also included in that same book only. Har ek chapter ke question answers topic wise humne chapter ke end mein include kiye hain. So, is tarah se kya hoga, hamara question answer preparation bhi ho jayega and concepts ko hum charts ke through jo hai acche se samajh sakenge aur memorize kar sakenge. So, study material maine bola aapko do milegi. Uske baad agar main baat karu class format ki, ठीक है, आज ये ओरिएंटेशन लेक्चर है तो पहले ही दिन मैं आपकी सारी जो कन्फ्यूजन हैं, या हो सकते हैं जो कन्फ्यूजन नहीं भी हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ आपको जो इंट्रोडक्टरी बातें हैं वो आज बताने वाली हूँ. तो क्लास फॉर्मेट की अगर मैं बात करूँ, टॉपिक्स जो भी होगी एक चैप्टर में हम उनको चार्ट्स के थ्रू समझेंगे. पहले मैं आपको सारे टॉपिक्स को, सारे एज इन एक क्लास में अगर मुझे 5 टॉपिक्स कराने, मैं आपको 5 टॉपिक पहले चार्ट से कराऊंगी. उसके बाद हम उन 5 टॉपिक्स से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर्स को एनालाइज करेंगे और डिस्कस करेंगे क्लास में. मैं आपको राइटिंग पैटर्न बताऊंगी कि आपको किस तरीके से आंसर एग्जाम में लिखना है. वील रिलेट द आंसर्स विद द कॉन्सेप्ट चार्ट्स दैट वी हैड स्टडीड, एंड इस तरह से हम पहले टॉपिक को समझेंगे. मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगी, जो भी मुझे एक्सप्लेनेटरी बातें करनी होगी हम कॉन्सेप्ट चार्ट में करेंगे, एंड फाइनली क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज. उसके बाद में मैं आपको एक चैप्टर समरी दूंगी एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर. जैसे एक चैप्टर में अराउंड 20 टॉपिक्स है, ठीक है, हमने उसको कवर किया इन अ स्पैन ऑफ से 5 to 6 क्लासेस. तो एट द एंड ऑफ 5 to 6 क्लासेस उस पूरी चैप्टर की हम एक सुपर फास्ट रिविजन करेंगे. ठीक है, इस तरह से क्या होगा, हम पीछे का जो है वो भूलते नहीं जाएंगे. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, क्लास टेस्ट आपके मैं लिया करूंगी. ठीक है, तो खुद को टेस्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बीइंग दिस अ सब्जेक्टिव पेपर, ऑडिट एक सब्जेक्टिव पेपर है जिसमें यू हैव टू राइट आंसर्स, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रेपरेशन, वो राइटिंग प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है. तो उसके लिए क्लास टेस्ट किस तरह से होंगे, आप लोग सब बैठ के घर पे मेरी क्लासेस कर रहे हो, तो जो क्वेश्चन पेपर है और जो सजेस्टेड आंसर्स होंगे अलॉन्ग विद द मार्किंग पैटर्न, मैं क्या करूंगी, मैं आपको उसको SJC वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगी, आपके डैशबोर्ड में मैं आपको उसको क्लास स्लाइड्स के रूप में दे दूंगी. तो आप वहां से डाउनलोड करके क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन सेल्फ इवैल्यूएट. देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया सेल्फ इवैल्यूएशन, यू कैन सेल्फ इवैल्यूएट योर आंसर्स विद द सजेस्टेड मार्किंग पैटर्न. ठीक है, इस तरह से हमारा क्लासेस चलेगा. आगे पीछे कुछ चेंजेस करने हुए, कुछ मुझे लगा एड ऑन करना है, तो वील डू इट. ठीक है, बेसिकली फॉर्मेट यही चलेगा. कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं, यानी कि ऑडिट की क्लास जब भी आप शुरू करोगे क्लास, तो आपको क्या क्या चीजें जरूरी है. नंबर 1 योर स्टडी मटेरियल, ठीक है, नंबर 1 भी स्टडी मटेरियल है और लास्ट भी स्टडी मटेरियल है. इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको कोई सेपरेट नोटबुक की भी जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट हैव अ सिंगल कलर्ड हाईलाइटर एंड अ सिंगल कलर्ड पेन, जिससे कि आप कुछ मार्किंग वगैरह अगर मैं करवाऊंगी तो आप वो भी कर सकते हो. वेरी इंपॉर्टेंट द लास्ट पॉइंट, रिविजन ऑफ प्रीवियस क्लासेस बिफोर द नेक्स्ट क्लास. तो जब भी आप
ऑडिट की एक क्लास को शुरू करोगे उससे पहले मैंने लास्ट क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए आप उसको बस चार्ट्स के थ्रू एक बार गो थ्रू कर लोगे, जिससे क्या होगा कि नेक्स्ट क्लास में मैं जब आपको रिवाइज कराऊंगी तो वो चीजें और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और आप कुछ पीछे का वापस से जो है भूलते नहीं चले जाओगे. तो रिविजन ऑफ प्रीवियस क्लास बिफोर नेक्स्ट क्लास इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. नाउ कमिंग टू योर एग्जाम पेपर पैटर्न. मैम वाई आर यू टेलिंग ऑल ऑफ दिस इन द फर्स्ट क्लास इटसेल्फ? बिकॉज गाइज अगर आपको पता नहीं होगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाएंगे या मैम किस तरह से पढ़ाने वाली है तो जो जर्नी है ना वो कहीं ना कहीं स्मूथ नहीं रहेगी. आपको हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और एग्जाम पेपर पैटर्न तो मुझे लगता है कि बच्चों को पहले दिन से ही पता होना चाहिए. वाई? बिकॉज जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी भी उसी ओर जानी चाहिए. ठीक है, जैसे कि आपके ऑडिटिंग पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं 30 मार्क्स के, और भी सब्जेक्ट्स हैं इंटरमीडिएट में जैसे टैक्सेशन हो गया, लॉ हो गया, तो उसमें भी एमसीक्यूज आते हैं. तो जिन पेपर्स में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उसमें जो प्रेपरेशन स्टाइल होती है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है. यू हैव टू डू इन डेप्थ स्टडी. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एकदम 100% होनी चाहिए. मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, छोटा बड़ा कुछ भी पूछा जा सकता है फ्रॉम एनी वेयर ऑफ योर सिलेबस, एंड डिटेल्ड स्टडी रिक्वायर्ड होती है एमसीक्यूज के लिए. नेक्स्ट यू कैन सी 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं जिसमें 1 मार्क के एमसीक्यूज भी होते हैं और 2 मार्क्स के एमसीक्यूज भी होते हैं. अराउंड से 14 to 16 मार्क्स 2 मार्क्स वाले होंगे, अराउंड 7-8 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले होंगे और बाकी रिमेनिंग जो है वो 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे. बट भगवान को आप हाथ जोड़िए कि आपको एमसीक्यूज के साथ कोई रीजनिंग नहीं देनी है. मतलब करेक्ट आंसर के साथ आपको कोई रीजनिंग नहीं देनी है. तो दैट इज वन गुड थिंग दैट इज देयर अभी तक तो एटलीस्ट. तो 30 मार्क्स के आप क्या हो गए एमसीक्यूज. कुछ स्टूडेंट्स इसको लेके खुश भी होंगे कि वाओ टिक मार्क वाला सिस्टम हो गया है. ठीक है ना, टिक मार्क एज इन यू हैव टू जस्ट चूज द करेक्ट आंसर एंड कुछ लंबे लंबे आंसर्स, लॉन्ग पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं. बट देन माइंडेड कि आपको अच्छे से डिटेल स्टडी और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ में चलना है. जिन स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे ऑडिट में या कोई भी पेपर में जिसमें एमसीक्यूज आते हैं, आपके लिए एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर कभी तो वो आपके लिए अटेम्प्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा. तो एमसीक्यूज आपके 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे. करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन, दिस इज लाइक अ डबल बोनांजा. मतलब एक और एड ऑन आपको दिया गया है. 14 मार्क्स के अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मतलब 100 मार्क्स में से आप देखो 44 मार्क्स के तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही हैं. और फिर भी स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम ऑडिट बहुत टफ पेपर है. ऑडिट बच्चों टफ नहीं है. ऑडिट को ना एक इमेज दे दी गई है टफ सब्जेक्ट की. अगर आप इसको टेक्निकली स्मार्ट वे में जिस हिसाब से इसको पढ़ना चाहिए उस हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो इट इज अ वेरी स्कोरिंग पेपर और आप बहुत अच्छे नंबर इसमें स्कोर कर सकते हो. बट देन वो तरीका जो होता है वो आपका सही होना चाहिए. तो 44 मार्क्स आपके हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बैलेंस 56 मार्क्स जो बचे कुछ रह गए वो आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे 56 मार्क्स में. उसमें भी यू कैन सी 14 into 4, मतलब 14 मार्क्स का एक ब्लॉक क्वेश्चन का रहेगा जिसमें 3-4 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे. मतलब मैक्सिमम जो ऑडिट में न्यू सिलेबस के अंदर, ये बहुत अच्छी बात है कि मैक्सिमम जो एक क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर का होगा. 4 से ज्यादा मार्क्स का आपके पेपर में ऑडिट में कुछ नहीं पूछा जाएगा. मतलब आपको टू द पॉइंट रहना है. तो मेरी जो सारी बातें हैं वो एक ही ओर जा रही है कि यू हैव टू बी प्रिसाइज, यू हैव टू बी टू द पॉइंट. तो इसीलिए जो मेरी स्ट्रैटेजी थी कॉन्सेप्ट चार्ट्स बनाने की वो सिर्फ यही थी कि सिंस आपका एग्जाम ये डिमांड करता है कि आप टू द पॉइंट रहिए, आप इधर उधर की बातें ना करें, उसलिए आपको सिर्फ कोर जो है चीजों का वो पता होना चाहिए. सो दिस इज द एग्जाम पेपर पैटर्न एंड वी विल बी प्रिपेयरिंग थ्रू आवर क्लासेस अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम पैटर्न ओनली. ऑफकोर्स आपको जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो नॉलेज चाहिए ऑडिटिंग की, वो तो कॉन्सेप्ट से आपको मिलेगी, बट जो एग्जाम ओरिएंटेशन हमारा रहेगा वो इसी पेपर पैटर्न के हिसाब से चलता रहेगा. नेक्स्ट इफ आई कम टू योर अकेडमिक क्वेरी रेजोल्यूशन. काफी स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेरी आ सकती है कि यू नो मैम आप तो चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाते जाएंगे, आगे हमें अगर कभी कोई क्वेरी आ गई तो हाउ विल दैट गेट रिजॉल्व. तो वी हैव अ स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप ऑफ योर बैच. यू ऑल ऑलरेडी मस्ट हैव ज्वाइंड इट. इन केस यू हैव नॉट ज्वाइंड इट, प्लीज कॉन्टैक्ट आर टीम SJC और आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा या आपके साथ लिंक शेयर कर दी जाएगी. प्लीज बी देयर इन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ योर बैच बिकॉज क्वेरी रेजोल्यूशन तो वहाँ पे होगा ही, साथ ही कुछ अपडेट्स अगर देना हो आपके बैच के लिए तो वील गिव इन द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो. मतलब आपको SMS जाएगा बट एट द सेम टाइम टेलीग्राम ग्रुप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट अपडेट जो हम शेयर करते हैं टेलीग्राम ग्रुप में करते हैं.
तो एकेडमिक क्वेरीज आप पोस्ट कर सकते हैं अपनी टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पे आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके फेलो बैचमेट्स हैं, वो आपके लिए क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब मैंने क्वेरी पोस्ट की, किसी और बच्चे को आती है तो वो उसका रिप्लाई करते हैं। तो आपको क्वेरी ना ही सिर्फ पोस्ट करनी है, अगर किसी और ने पोस्ट किया तो आपको उसको आंसर भी करना है। इससे क्या होता है ना, स्टूडेंट की कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाती है। मतलब जिसने आंसर किया उसको बहुत अच्छा फील होता है कि वाओ आई नो दिस कॉन्सेप्ट, और बाकी लोग भी उससे फिर इंस्पायर होते हैं। सब लोग पार्टिसिपेटिव वे में ये स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑफ कोर्स आई विल आल्सो बी देयर, बट आई विल बी देयर एज अ साइलेंट मॉडरेटर। मैं सिर्फ मॉनिटर करूंगी कि ग्रुप में क्या चल रहा है। अगर कोई क्वेरी मुझे ऐसी लगी कि मुझे रिप्लाई करनी है, देन आई विल डू इट। ठीक है, अब अगर किसी को पर्सनली मैडम से ही बात करनी है, मैम से ही क्वेरी रिजॉल्व करनी है, आपकी क्वेरी बाय चांस टेलीग्राम ग्रुप में नहीं सॉल्व हो पा रही, या यू नो यू वांट टू टॉक टू मी पर्सनली रिगार्डिंग सम स्टडी टिप्स, तो यू कैन टॉक टू मी ओवर गूगल मीट। हमारी गूगल मीट होती है एसजेसी की सारी फैकल्टीज की फ्रॉम 1 to 2 PM एवरी डे एक्सेप्ट संडे। तो उसकी भी लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिल जाएगी। यू कैन आस्क योर क्वेरीज ओवर देयर। ठीक है, दिस अबाउट एकेडमिक क्वेरी। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन आई बिलीव आप लोग सबने कर ही लिया है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द क्लास। अब अगर क्लास चलाते चलाते बीच में अगर आपको कोई क्वेरी, यू नो टेक्निकल सपोर्ट की आ गई, चलते चलते सॉफ्टवेयर बंद हो गया, तो घबराना मत। वी हैव आर टीम, आर टेक्निकल टीम टू सपोर्ट एंड गाइड यू। आप इस गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर बेस्ट होता है कि आप एक मेल लिख दें, जो ये मेल आईडी दिया है नीचे इसको नोट कर लीजिए, आप ये फोन नंबर और मेल आईडी को नोट कर लीजिए। आपको कभी भी क्लासेस के बीच में कोई टेक्निकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हुई तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट आवर टीम, राइट। बाकी अगर आपको नहीं पता है तो एसजेसी में और भी कई सारे कोर्सेज होते हैं, यू नो वी हैव कोर्सेज फॉर द सीए फाइनल, सीएमए फाइनल, सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीएस फाइनल, सीएस इंटर लेवल्स। तो अगर आप सीएस भी कर रहे हो, अगर आप सीएमए कर रहे हो, या किसी फ्रेंड्स को भी कुछ कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, तो दिस इज द लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट वी करेंटली टीच एट एसजेसी। मेरी अगर आप बात करें तो मैं सीए इंटर लेवल पे ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, सीएमए इंटर को मैं ऑडिट पढ़ाती हूँ, एंड सीएमए फाइनल को भी मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पढ़ाती हूँ अलॉन्ग विद सतीश सर। ठीक है, अभी मैम आपके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए हमें। तो गाइज, आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट की एंड आई एम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, और बचपन से ही मुझे टीचर ही बनना था। आई रियली हैव अ ग्रेट पैशन फॉर टीचिंग। सो आफ्टर क्लियरिंग माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम्स, आई स्ट्रेट अवे स्टार्टेड विथ माई टीचिंग करियर। मैंने कोई जॉब नहीं करी, आई बिकॉज आई वॉन्टेड दिस एंड आई वॉज वेरी श्योर अबाउट दिस। तो मैंने स्ट्रेट अवे अपना जो टाइम है वो टीचिंग में ही डिवोट करना शुरू किया। तो दैट इज अ लिटिल इंट्रोडक्शन। बाकी मैंने अभी बहुत कुछ नहीं किया है जो मैं आपको बताऊं, ठीक है। धीरे धीरे जो भी है बातें आपको धीरे धीरे खुद ही पता चलने लग जाएगी इन द ड्यू कोर्स ऑफ क्लासेस। इफ यू हैव एनी क्वेरीज गाइज रिलेटिंग टू द क्लासेस, दिस इज माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट कि आप क्वेरीज को खुद तक मत रखिए, आप उसको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करिए, मुझसे पूछिए, यू कैन राइट अ मेल ऑल्सो इफ यू वॉन्ट, ठीक है। बट क्वेरीज को कभी भी अनरिजॉल्व ना रहने दें। ये एक मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से। और जितना हो सके ना मैम के साथ भी इंटरेक्ट करिए, मैम के साथ जब मौका मिले तो आप इंटरेक्ट करिए। तो ये कुछ बातें थी इंट्रोडक्टरी जो मुझे आपको बतानी थी। इफ यू वॉन्ट, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ आर अदर कोर्सेज, यू मे विजिट आर वेबसाइट www.sgc.co.in। वी ऑल्सो हैव अदर प्रोफेशनल एलिवेशन कोर्सेज, वी हैव बेसिक टू एडवांस एमएस एक्सेल कोर्सेज, गूगल शीट्स पे कोर्सेज है, एमएस पावर पॉइंट पे कोर्सेज है, टेक्निकल एनालिसिस पे कोर्सेज हैं। सो इफ यू वॉन्ट एनी ऑफ सच अपस्किल अपग्रेडेशन इन योर यू नो करियर, तो आप हमारी वेबसाइट में जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। वी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ फ्री रिसोर्सेज ऑफ ऑल आर सब्जेक्ट्स, तो आप उनको भी अवेल कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। बाकी हमारा कॉल हेल्पलाइन नंबर एंड ईमेल आईडी है। कभी भी आपको कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू योर कोर्स, कैसे क्लास करनी है, या एनीथिंग, एनी हेल्प यू वांट फ्रॉम अस, एनी इन्फॉर्मेशन दैट यू रिक्वायर ऑफ अस, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर ये जो गिवन मेल आईडी है इस पे आप मेल भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका बेसिक जो मुझे इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बताना था। अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी आपकी जो बुक है ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस की। दिस इज द वॉल्यूम 1 ऑफ योर ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। आपको इसी तरह से वॉल्यूम 2 भी मिली है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द स्टडी मटेरियल, लेट अस फर्स्ट ब्रीफली डिस्कस ऑडिट क्या होता है।
ठीक है, अभी इतनी देर तो मैम ने जो बातें बताई वो थी रिगार्डिंग कोर्स कैसे करेंगे ये वो, अभी आते पॉइंट पे, ठीक है। व्हाट इज ऑडिट? हैव यू एवर हर्ड द टर्म ऑडिट? आई एम प्रिटी श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव। आपके फ्रेंड्स, कुछ भैया दीदी, सिबलिंग्स, रिलेटिव्स, कहीं ना कहीं से आपको ऑडिट ने, ऑडिट तो आपने सुना ही है, नॉट एज अ सब्जेक्ट, नॉट एज अ सब्जेक्ट, इन रियल रियल वर्ल्ड। यस मैम, वी हैव हर्ड ऑडिट। नाउ व्हाट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट? जब हम ऑडिट शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? लाइक लेट्स से आप मुझे कुछ ऑडिट के सिनोनिम्स बताइए, ठीक है? थिंक अ लिटिल, थिंक अ लिटिल। ऑडिट मतलब क्या हो गया? आप नोट नोट भी कर सकते हैं यहाँ पे पेन से, ऑडिट मतलब क्या हो गया, लिखिए। चलिए सोचिए सोचिए बताइए। अच्छा अच्छा ऑडिट मतलब हो गया चेकिंग करना, ओके ओके चेकिंग करना हो गया। और कुछ सोच सकते हैं? चेक करना। सो पहला जो हमारे दिमाग में आता है ऑडिट मतलब होता है किसी चीज को चेक करना, ओके, किसी चीज को एग्जामिन करना, ओके। एंड व्हाट एल्स कैन यू थिंक ऑफ? वेरिफिकेशन करना किसी चीज का, किसी चीज का करना है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे किस चीज का करना है, बट चेकिंग, आई एम टॉकिंग ऑफ सिनोनिम्स ऑफ ऑडिटिंग, चेकिंग, एग्जामिनिंग, वेरीफाइंग, वाउचिंग, इवेल्युएटिंग समथिंग, एनालाइजिंग समथिंग, ठीक है, इन शब्दों का ही अर्थ होता है ऑडिटिंग। नाउ इफ आई टॉक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि हमारा डिटेल डिस्कशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट पे ही चलेगा हमेशा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट मतलब किस चीज को चेक करेंगे? व्हाट विल बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आवर ऑडिट? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? एज द नेम सजेस्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हम चेकिंग या एग्जामिनेशन को करेंगे। सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट ऑडिट। हम पूरा टेक्निकल ऑडिट क्या होता है, पूरा टेक्निकल डेफिनेशन जो रिक्वायर्ड है वो वी विल डिस्कस इन द कमिंग क्लासेस। अभी बात करते हैं स्टडी मटेरियल की, उससे पहले बात करते हैं अबाउट ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, नॉट एज अ सब्जेक्ट, नो गाइस, नॉट एज अ सब्जेक्ट, बट इट्स रेलेवेंस इन द रियल लाइफ। तो गाइस अगर मैं आज से 5-10 साल पहले की बात करूँ ना, 5-10 साल पहले की अगर मैं बात करूँ, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट यानी कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट्स हैं, ठीक है, उसके बाद बैंक ऑडिट हो गई, टैक्स ऑडिट हो गई, दीज वर मोर प्रेवलेंट आज से 10-15 साल पहले की अगर हम बात करें तो। बट विद द एवोल्यूशन, ठीक है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा ना, उससे क्या हुआ, कुछ फैंसी ऑडिट्स, कुछ डिफरेंट स्पेशल ऑडिट्स क्या हुई, इमर्ज होने लगी। नाम अगर मैं कुछ बताऊं तो फॉरेंसिक ऑडिट्स, एनवायरमेंटल ऑडिट्स, एनर्जी ऑडिट्स, ठीक है, आईएएस ऑडिट्स यानी कि सिस्टम्स ऑडिट, जिस कंप्यूटर पे हम काम करते हैं ना उसके अंदर के सिस्टम की चेकिंग करना, एग्जामिनेशन करना कि अंदर के जो लॉजिक्स हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ ना, ऑडिट का जो स्कोप था विच वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू फाइनेंशियल्स एंड अकाउंट्स हैज वाइडेंड। तो जब तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे तब तक आप सोच सकते हैं कि ऑडिट का स्कोप और कितना बढ़ जाएगा, राइट? सो इट इज वेरी वेरी रेलिवेंट फ्रॉम द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। इफ वी से लाइक अ लॉट ऑफ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर रिक्रूटेड इन द ऑडिटिंग डिपार्टमेंट्स ऑफ वेरियस डिफरेंट कंपनीज एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स, तो ऑडिट का प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा रेलिवेंस है। और अगर आपके एग्जामिनेशन या आपके जो कोर्स की मैं बात करूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की, इंटरमीडिएट लेवल इज द लेवल इन विच यू हैव बीन इंट्रोड्यूस टू द सब्जेक्ट, ठीक है। तो दिस इज द फाउंडेशन, मतलब बेसिकली ये एक बेस है जिसमें आप ऑडिट का बेस बनाने वाले हो। अगर ये बेस आपने बच्चों स्ट्रांग बना लिया ना, तो आपकी जो फाइनल का जो जीवन होगा ना वो थोड़ा सुखी हो जाएगा। लाइक इट विल बिकम अ लिटिल ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑडिट एंड टू लर्न ऑडिट एट द फाइनल लेवल। सेकेंडली, जब इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद आप जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या आर्टिकलशिप करोगे, उसमें मोस्ट ऑफ यू विल बी एंगेज इन ऑडिट असाइनमेंट्स। तो जिन स्टूडेंट्स का थ्योरेटिकल बेस थोड़ा स्ट्रांग होता है ना, वो एप्लीकेशन भी अच्छा कर सकते हैं, तो आपको ऑडिटिंग की जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी अच्छी मिलती है। सो दिस इज हाउ इट इज रेलिवेंट बोथ फॉर योर स्टडीज एज वेल एज फॉर द प्रैक्टिकल लाइफ। तो गाइज आप इस सब्जेक्ट को बहुत सिंसियरली पढ़िए, क्योंकि आर्टिकलशिप में तो ये आपके बहुत काम आने वाला है, उसके बाद भी फाइनल लेवल में काम आएगा, उसके बाद जब सीए बन जाओगे तो उसके बाद पीछा छूटेगा नहीं छूटेगा, उसके बाद भी लाइक अ लॉट ऑफ यू विल बी हायर्ड और रिक्रूटेड, और यू मे स्टार्ट योर ओन सीए फर्म जिसमें ऑडिट विल बी लाइक द
क्रीम जॉब ऑफ योर फर्म मे बी, लाइक ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑडिट ही काम होगा, बट लाइक बहुत ज्यादा जो प्रोपोर्शन है, क्योंकि ऑडिट एक ऐसा काम है ना विच इज रिजर्व फॉर अस, लाइक आर फ्रेटर्निटी. स्टैट्यूटरी ऑडिट इज रिजर्व फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. तो एक जो मेजर चंक है हमारे काम का, दैट इज ऑडिटिंग या फिर अश्योरेंस आप कह सकते हैं. अब ऑडिटिंग अश्योरेंस में डिफरेंस क्या होता है वो हम जब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. दिस इज अ ब्रीफ अबाउट वॉट इज ऑडिट, वॉट इज द रेलिवेंस ऑफ ऑडिट रादर वी कैन से. अभी आते हैं आपके स्टडी मटेरियल में. यू कैन सी दिस इज अ कलरफुल बुक जिसमें मैंने काफी सारे इंट्रोडक्टरी पार्ट दिए हैं, आप इसको देख सकते हो. हाउ टू स्टडी थ्योरीज विच इज रेलिवेंट फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. नाउ देयर इज अ लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस गिवन. आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ एब्रीविएशंस इन दिस बुक जिससे हमारा टाइम सेव होगा. जैसे कि मुझे क्लास में कई बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहना पड़ेगा तो मैं उसको FS बोलूंगी. मुझे कई बार कहना पड़ेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, मैं उसको RMM बोलूंगी. ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा बहुत टाइम सेव होगा. मतलब आपको पता नहीं चलेगा बट व्हेन यू रीड थिंग्स, अगर आप किसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हो ना तो वो ज्यादा ज्यादा फास्ट होती चली जाती है. और जो रेपिटेटिव चीजें उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया एब्रीविएशंस में. क्या मैम एग्जाम में ऐसे एब्रीविएशंस चलेंगे? नहीं नहीं, एग्जाम में बिल्कुल नहीं चलेंगे, आपको लिखना होगा फुल फॉर्म. ये हो गया हमारे स्टडी पर्पज के लिए, हमारे रीडिंग पर्पज के लिए. ठीक है, इसके बाद एक बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है इस बुक की, ये कुछ सिंबल्स एंड आइकन्स हमने यूज किए हैं. एग्जाम्पल का आइकन है, कुछ स्पेशल नोट है, अगर कोई पॉइंट टू रिमेम्बर है तो उसका एक आइकन है. फूड फॉर थॉट यानी कहीं पे आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की अगर रिक्वायरमेंट है तो उसका एक आइकन है. केस स्टडीज का आइकन है. तो इस तरह से हमने इस बुक को थोड़ा सा इंटरैक्टिव एंड यू नो इनोवेटिव बनाया जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे सब्जेक्ट के अंदर. ये एक लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगी ये एक्चुअली क्या है, बिकॉज आज की ओरिएंटेशन क्लास में ये सारी बातें बताना थोड़ा सा हैवी हो जाएगा आपके लिए. तो इसको मैं आपको आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी. आई जस्ट वांटेड टू शो यू द स्टडी मटेरियल वंस, किस तरह से हमने यहाँ पे देखो चार्ट्स को इनकॉर्पोरेट किया है. ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर गिवन इन कॉम्पैक्ट चार्ट्स, एकदम छोटे छोटे चार्ट्स हैं. एंड देन फाइनली जो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे चैप्टर के एंड में यू विल फाइंड द रिलेटेड क्वेश्चंस टॉपिक्स के. जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक पे क्वेश्चन होगा ही. ठीक है, जिस टॉपिक पे रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, उसके ऊपर हमने यहाँ पे क्वेश्चंस डाल दिए. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे राइटिंग स्पेस भी है, तो इफ यू वॉन्ट टू मेक एनी नोट्स यू कैन नोट इट डाउन हियर. सो या दैट इज ऑल अबाउट द ओरिएंटेशन क्लास. नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट chapter, that is the ABCD of auditing. We'll start it and also we'll discuss in brief first about the audit process. पहले मैं आपको बताऊंगी overall audit जो होती है ना वो कैसे होती है, उसके बाद हम घुसेंगे इस chapter के अंदर, that is the ABCD of auditing. So that is all with the orientation. Now we'll start with the process of auditing and the ABCD of auditing.